हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, सेब एक हाथ में है, रमजान का महीना है, रोजा रखा हुआ है, आकर अर्ज किया कि हजरत अगर रोजे की हालत में बीवी से बोसो किरार कर लिया जाए तो रोजा टूट जाता है या नहीं। हजरत यूं भी फरमा सकते हैं टूट जाता है, यूं भी के नहीं टूटता, लेकिन देखा कि सहाबी मुज्तहिद है, इसको तो इज्तिहाद का अंदाज सिखाना चाहिए। फरमाया हाथ में क्या है जी, सेब है, कि जरा मुझे दो। सेब लेकर मुबारक होंठों पर यूं रख लिया। अब हजरत उमर से पूछा, उमर मेरा जो रोजा टूट गया है, कि हजरत होंठों पर रखने से नहीं टूटेगा, खाने से टूटेगा। फरमाया फिर जो तू मसला पूछ रहा है वो समझ आ गया, कि हजरत बिल्कुल समझ आ गया। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ा रहे थे, एक औरत आई बुरके में, उसने एक सेब और एक छुरी इमाम साहब की तरफ हाथ बढ़ाया, बुरके से निकाल के और इमाम साहब को पकड़ा दी। तलबा बड़े खुश हुए कि भाई बहुत ही नेक औरत है, चलो सेब तो लाई साथ छुरी भी ले आई है ताकि हमें तलाश न करनी पड़े, क्योंकि तालिब इल्मों की सुस्ती तो बड़ी मशहूर होती है ना। इधर हम खाना खा रहे थे, पानी कभी पास रखते नहीं थे, उस्ताद साहब बाहर खड़े थे तो एक दूसरे को घूर रहे थे कि आज तेरी बारी थी गड़ा घर भरने की। वो कहता था नहीं मैंने कल भरा था। उस्ताद साहब अंदर तशरीफ ले आए, देवबंद के फाजल थे मौलाना जियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, फरमान लगे तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे बड़ा ही तरस आता है कि मैं गड़ा उठाकर ले जाऊं भर के ले आऊं, लेकिन इसलिए नहीं ले जाता कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी, बल्कि तुम समझोगे अच्छा ये तो उस्ताद साहब की ड्यूटी थी ना, उन्होंने आज तक गलत कोताही की है। देखिए एक तालिब रोटी खा रहे थे, तालिब इल्म लुकमा अटक गया, अब उसको कोई पानी लग दे, एक उठता दो मुक्के मारता है, दूसरा उठता दो मुक्के मारता है कि नीचे चला जाके, आखिर वो लुकमा भी गैर मुकल्लद ही था, उसने नहीं कुछ समझी, तो वो उठा खुद और जाके उसने कुएं में डोल डाला। अब जब खींचने लगा पर हुआ डोल तो वो जोर लगा ना, लुकमा नीचे उतर गया तो डोल वहीं फेंक के आ गया। थला बाप बड़े खुश हुए कि बड़ी नेक औरत है, छुरी भी साथ ले आई है। इमाम साहब ने सेब काटा और उसका अंदर का जो हिस्सा था सेब का वो दोनों यूं बाहर निकाल के छुरी और सेब औरत को वापस कर दिया। अब शागिर्द इमाम साहब को हदीसें सुना रहे कि हजरत हदीस में आता है कि हदिया कबूल कर लेने चाहिए, तो आपने तो हदीस के खिलाफ अमल किया है, अगर आपको जरूरत नहीं थी हम जो बैठे थे और हिदायत हदीये में सारे शरीक होते हैं तो आप हमें देते। इमाम साहब ने फरमाया कि खाम का राल टपकाने बैठ गए हो, वो तो बेचारी मसला पूछने आई थी, अब ये हैरान कि मसला कौन सा पूछ के गई, वो ना उसने जबान से पूछा ना इमाम साहब ने जबान से बताया। फरमाया कि सेब के बाहर कई रंग होते हैं, कहीं मटियाला है, कहीं मेहंदी का रंग है, कहीं सब्ज है, कहीं सुर्ख है, कहीं स्याह है। औरत जब नापाक होती है तो खून कई रंग बदलता रहता है। वो ये मसला पूछने आई थी कि कौन सा रंग नापाकी का है और कौन सा पाकी का है, कि कब नमाज शुरू की जाए। अगरचे सेब के बाहर बहुत से रंग होते हैं लेकिन उसको काटे तो अंदर एक ही सफेद रंग है और कोई दूसरा रंग, तो मैंने काट कर वो सफेद हिस्सा बाहर की तरफ करके उसको दे दिया कि सफाए सफेदी के सारे रंग ही नापाकी के। तो ख्याल करून था ना, अंदाजा लाओ औरत को भी खुदा ने कैसा दिमाग दिया, किस तरह मसला पूछा, और इमाम साहब ने किस अंदाज में मसला समझाया। मेरे जाए के लिए थे हर जाए के लिए थे, मेरे जाए के लिए थे हर जाए के लिए थे, वो मौत का जख्म उलमा
علماء